रविवार को जिले में 11,542 स्वैब टेस्ट विविध लैब्स में किए गए, जिनमें 899 पॉजिटिव सामने आए। इन नए पॉजिटिव को मिलाकर जिले में इनका आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है। रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर जो प्रतिष्ठान खुले हुए थे, उन पर उपद्रवशो दस्ते ने कार्रवाई की, जिसमें कुल 14 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दस्ते ने 1,41,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत अब तक राज्य सरकार की ओर से 28 फरवरी तक के लिए आदेश जारी किए गए थे। अब 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रखने तथा मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत दी गई छूट भी जारी रखने का नया आदेश जारी किया गया। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि सिटी सहित राज्य में कोरोना का प्रकोप फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिकों में भय नजर आ रहा है। सदर थाना अंतर्गत राजनगर परिसर में एक व्यवसायी के घर में सीम लगाकर 5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। शनिवार देर रात यह घटना सामने आई। 1 मार्च से ज्येष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके लिए 11 सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई। दुकान और फ्लैट बेचने के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर रविशंकर चंद्रभान गुप्ता को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने एक घर में छापेमार कार्रवाई कर देसी समेत कुल 2,25,480 रुपए की शराब पकड़ी। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहाड़ी के सत्यम नगर इलाके में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। घर के सामने खेलने निकली बच्ची को कार चालक ने टक्कर मार दी। रविवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने पाचपावली विलगीकरण केंद्र और टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया, साथ ही पाचपावली सुतिका गृह का भी जायजा लिया गया।